वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गेमिंग यूट्यूब चैनल टर्मिनेटर गेमर में। अगर स्टार्टिंग वाली क्लिप्स आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना। ये मैच मैं अपने पूरे दोस्तों के साथ स्क्वाड में खेल रहा था, लेकिन जल्दी ये मैच मेरे लिए बन जाता है डुओ। हम यहाँ पे पैराडाइज रिसोर्ट में उतरे थे और उतरते ही मेरे हाथ में लग जाते हैं यम4। तो चलिए अब बस इसी गन से टर्मिनेट मोड को ऑन कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर आया मेरा एक टीम मेट आया है और मुझे पता था कि आगे पूरे चार बंदे हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉल बैक किया और तभी उस बंदे ने एक मॉली भी कर दी उसी डायरेक्शन में, लेकिन अपना रूट मैंने चेंज किया था। दो बंदे नॉक और ये तीसरा भी नॉक। अब मैं इनके चौथे बंदे को ढूंढ रहा था लेकिन वो तो मुझे मिला नहीं, और तभी मुझे लगा कि ये भागने वाला चौथा बंदा है, लेकिन ये तो महज एक बॉट था। तभी मैंने इस टीम को फिनिश किया और इसी के साथ मेरे टीम में भी अब दो ही बंदे बचते हैं। मुझे पक्का पता है कि आपको एक क्लच अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पे एक लाइक छोड़ देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और लगे हाथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मैंने जिन बंदों को मारा था उनकी क्रेट्स लूटी और यहाँ पे मेरे पास प्रोबल्स की बहुत ही कमी खल रही थी और हम सिर्फ दो ही बचे थे, जिसके कारण हम अंदर रश भी नहीं कर सकते थे। यहाँ आने के बाद मुझे गन शॉट्स की आवाज़ें आने लगी और मैंने उसी तरफ रश कर दिया। शैनहॉक मैप की मुझे एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो है ये कोहरे वाली बात, क्योंकि भाई इस कोहरे में विजिबिलिटी 20 से 25% मुश्किल से मिल पाती है। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बंदा स्पॉट हुआ, उसको पूरा ख़त्म कर दिया। जैसे ही यहाँ पर आए मुझे एक बंदे की भागने की आवाज़ आई और इसके साथ क्या ही मेरी गो राउंड खेला है मैंने, आप भी ज़रा देख लेना। वो भाग रहा है, मैं उसके पीछे, किसी एक जगह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे ये भाई साहब। फाइनली उन्होंने थोड़ा आराम किया लेकिन वो भाई साहब मुझे अब स्पॉट नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने भागना चालू किया और उनके पीछे पीछे मैं गया और फाइनली मुझे पता चलता है कि ये यहाँ पे क्यों आए थे। ये आए थे ड्रॉप के लिए और पहुँच जाते हैं सीधा लॉबी में। फिर हम जोन इन करने वाले थे लेकिन इतने जैसे ही यहाँ पर आया, इनमें से एक बंदा घास में प्रोन होता है और एक को मैंने स्पॉट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इन बंदों को तो अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन ये वही टीम थी जो पैराडाइज रिसोर्ट में आखिरी तक रुकी हुई थी। फिर मैंने जोन इन किया और मुझे पता था कि बंदे अभी भी मेरे आजू बाजू में ही हैं, और तभी सामने से गन शॉट के साउंड आए और मुझे एक बंदे की आवाज़ भी आ जाती है। फाइनली मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया और ये उसी टीम का बंदा था जिसने मेरे आखिरी टीममेट को मार डाला था। फिर मैं धीरे धीरे इसके पास आ गया। मैंने यहाँ पे एक रैंडम फायर दिया लेकिन वो बंदा जो नॉक हुआ था वो फिनिश नहीं हुआ और ना ही वहाँ पे कोई स्मोक हुआ था, तो इसका मतलब साफ था कि उसका टीम में अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि लगे हाथ वो उसे रिवाइव दे रहा है, तब तक मैं जोन इन कर ही लेता हूँ। जैसे ही मैंने जोन इन किया, एक और जोन बन गया और तभी ग्रेनेड मेरे बाजू में ही फटा और ये वही टीम है जिनमें से एक को मैंने नीचे नॉक किया था। यहाँ पे एक बंदा मुझे स्पॉट हो भी जाता है। जैसे ही इसे नॉक किया, इसके टीममेट ने जबरदस्त कवर फायर दिया और तभी मैं घास में प्रोन हो गया और मेरे पास उस पेड़ का कवर भी था। बंदा पहले से ही स्पॉटेड था। फाइनली ये डुओ भी हो जाता है यहाँ पे फिनिश, जो कि काफ़ी देर से मेरे पीछे पड़ा था। इसी क्लच के लिए एक लाइक अपने भाई के लिए छोड़ देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। इसी के साथ अब जोन में बचते हैं केवल तीन बंदे और तभी एक बंदा मुझे स्पॉट हो भी जाता है। इस बंदे को फिनिश करने के बाद मुझे एक और बंदा नीचे घास में लेटा हुआ दिखाई देता है और तभी जोन श्रिंक हो रहा था, तो मुझे जोन इन करना था
यहाँ पे मैं स्मोक करना चाहता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ ग्रेनेड ही थे, जिसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, विन और लॉस बोथ एक्सेप्ट फ्रॉम ओपन हार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना नहीं भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। गुड बाय।